हेलो, गुड मॉर्निंग, जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज हम ब्लॉग कर रहे हैं हल्द्वानी से, जो कि एक तरीके से यूट्यूबर्स का कोटा फैक्ट्री है। और ऐसा नहीं है, जैसे हम जब हम बीटेक कर रहे थे तो क्या था कि इतने कॉलेज खुल गए थे उस शहर में कि पता समझ में नहीं आता था कि कॉलेज ज़्यादा हैं कि स्टूडेंट ज़्यादा हैं। तो ऐसा नहीं है हल्द्वानी में, जो यूट्यूबर्स हैं अच्छे क्वालिटी के यूट्यूबर्स हैं, टॉप के मतलब टॉपर्स भी हैं यहाँ पर, तो काफ़ी अच्छे अच्छे रैंक्स लेके आते हैं वो। तो हम यहाँ से कर रहे हैं, तो यहाँ की वाइब भी अलग है। और आज हम रुके हुए हैं यहाँ पे होटल नॉर्थ हाउस में, तो ये प्रॉपर्टी के पीछे इन्होंने अच्छा काफ़ी अच्छा डेकोरेट किया है। तो एक वाइब देने की कोशिश की है कि एक थोड़ा सा आप कहीं दूर आए हुए हैं, पहाड़ों की तरफ निकल पड़े हैं, तो पेड़ पौधे अच्छे से लगाए हुए हैं, तो काफ़ी अच्छा व्यू है ये आप देख सकते हो मेरे पीछे। तो आज के दिन की शुरुआत करते हैं इसके साथ ही और मिलते हैं आगे। तो हल्का सा एक रूम का टूर ले रहे हैं अभी कि किस तरीके का रूम है। तो आ जाओ, ये है रूम, ये जान लेते हैं काफ़ी घर, ये लगा दिए स्टॉप का, तो थोड़ा सा बिखरा हुआ है अभी, तो देख लेते हैं इसको किस तरीके का रूम है। ठीक है, हमने बेड एक्स्ट्रा लगा लेते हैं यहाँ पे, तो वो हमारा बेड है यहाँ पे एक्स्ट्रा, और ये नॉर्मल बेड तो मिल ही जाता था आपको। और यहाँ से भी व्यू आ जाता है, जो मैं बता रहा था कि कैसा अच्छे से डेकोरेट किया हुआ है। तो और ये वॉशरूम है छोटा सा, अच्छा सा देख लो क्या साइज है। इस साइड से भी घुमा के गया था, उस साइड से शायद ज़्यादा आ रहा है, तो अच्छा नहीं आ रहा है। ठीक है, दो लोगों के लिए ठीक है, हम तो तीन रुपये वेजेस रूम में। चलो अभी हम वापस चल पड़े हैं दिल्ली की ओर, और प्लान कुछ चेंज हो गया है। अब हम जाएंगे अपने गांव पिथौरागढ़ नवंबर में, तो नवंबर में देखेंगे उस सीरीज में कि क्या होता है, और वहाँ के बारे में बताऊँगा कि हम बचपन में क्या किया करते थे और क्या चीज़ चेंज हुई है, तो वो चीज़ नवंबर में होगी। फिलहाल दिल्ली की तरफ मूव कर रहे हैं वापस, और पहले जाके सो ही जाऊँ। अभी थोड़ी देर एक स्टॉप लिया है हमने यहाँ पे, जो मैं कल हल्दीराम दिखा रहा था और उस साइड पीछे, और अभी हम यहाँ पर रुके हैं थोड़ी देर के लिए, और फिर जाके मिलते हैं जल्दी आपसे। और ये पिथौरागढ़ वाला देखेंगे हम नवंबर में, अब जाएंगे वापस, उसमें आएगा मज़ा। चलो बाय बाय।